नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा जी और मैं पहली बार हिंदी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 2000 से भी ज़्यादा वीडियोस इंग्लिश में रिकॉर्ड किए हैं, वो भी पूरे अध्यात्म के ऊपर। अध्यात्म में मैं बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाता हूँ, जैसे कि भगवद गीता हो या श्रीमद् भगवतम हो या नारद भक्ति सूत्र हो, यानी इनके जो मेन टेक्स्ट हैं, यानी जिसे हम कहते हैं बेयर टेक्स्ट, यानी जो वर्स होता है उसका मैं ट्रांसलेशन करके लोगों को बताता हूँ और उसके बाद उसके ऊपर एक सत्संग रखता हूँ। तो ये सब मेरे वीडियोस यहाँ पर रिकॉर्ड है, यानी ये जो मेरा चैनल आप जो देख रहे हैं उसमें तकरीबन 1200 वीडियोस होंगे और दूसरे चैनल में बाकी के वीडियोस हैं। तो ये सब जो वीडियोस मैं रिकॉर्ड करता था वो इंग्लिश में थे, लेकिन आज पहली बार मैं सोच रहा था कि मैं हिंदी में कुछ करूँ। वैसे हिंदी मेरी मातृभाषा नहीं है, मैं बम्बई से हूँ और इसकी वजह से मुझे थोड़ी बहुत हिंदी आ जाती है। हिंदी में मैं इतना फ्लुएंट नहीं हूँ क्योंकि इंग्लिश में मैं ज़्यादा फ्लुएंट हूँ। तो अभी मैं आपको अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। मैं अध्यात्म में 2001 में आया। 2001 में एक अजीब सा किस्सा मेरे साथ हुआ। मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, वहाँ पर मैं बेहोश हो गया और कोमा में चला गया था। अगले दिन जब मैं उठ के बैठ गया तो उस टाइम पे मुझे ऐसे लगा कि मैं वो आदमी नहीं हूँ जो कोमा में चला गया हो, यानी जो पहले सो गया था वो आदमी और मैं, हम लोगों में बहुत सारा डिफरेंस है। वो जब मैं बाहर आया अस्पताल के बाद घर गया, तब मैंने देखा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं अपने आपके बारे में जानना नहीं चाहता था। उसके बाद एक अजीब किस्सा हुआ। मैं उस समय बेंगलोर में बहुत सारी दुकानें चलाता था। मैं एक फैशन डिज़ाइनर था और इसकी वजह से मेरा एक ब्रांड था यहाँ पर जो मैं चला रहा था। लेकिन मैं जिस दिन अपने काम पे चला गया, उसके दो ही दिन बाद मैंने बगल वाले एक कबाड़ी वाले से 4-5 किताबें ले ली और वो किताबें मैंने ज़िंदगी में कभी पढ़ी नहीं थी। एक किताब थी जिसका नाम था भगवद गीता। अब जब मैं स्कूल में जाया करता था मुंबई में, तब मैंने कभी भगवद गीता या फिर रामायण या महाभारत के बारे में सीखा नहीं था, क्योंकि इंग्लिश में एजुकेशन हुआ था, वहाँ पर सिर्फ हम अंग्रेज़ी जानते थे, बाकी और कुछ नहीं। तो मेरा जो नॉलेज था सिर्फ मंदिर में जाने का जितना, यानी जब माँ कहती थी कि गणेश जी के मंदिर जाओ या फिर हनुमान जी के मंदिर जाओ तो मैं जाता था, बाकी मैं किसी भगवान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखता था। लेकिन ये जो आदमी बैठा 2001 में उठ के बैठ गया, उस आदमी को यानी उस व्यक्ति को जैसे कि उसने ही लिखा हुआ है या वो ही आदमी है जो ये सब चीज़ जानता है, वैसे वो भगवद गीता से लेके और बहुत सारी जो आध्यात्मिक किताबें हैं जिनको हम स्क्रिप्चर्स कहते हैं, वो आसानी से उसे डिसाइफर करता था। यानी उसको हम जो कहते हैं सत्संग में परिवर्तन करना, या फिर मैं लोगों के साथ उस चीज़ के बारे में बोलना जिसमें वो गूढ़ हो, यानी जो अंदरूनी चीज़ है वो मैं बता सकता था। तो ये जब मेरे साथ हुआ तो मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में कभी भगवद गीता क्या है ये भी देखा नहीं था। 2001 के पहले तो मैं ये भी नहीं जानता था कि ऐसी कोई किताब होगी। मैंने किसी ज़माने में रामायण और महाभारत टीवी पे थोड़ा बहुत देखा था, वो भी मैंने ज़्यादा नहीं देखा था। तब फिर भी भगवान मेरे लिए इसी समान था कि मैं जब मंदिर जाऊँ तो मैं वहाँ जाके सिर्फ थोड़ी बहुत प्रार्थना करता था कि भाई भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो, बस। उसके अलावा मुझे भगवान के बारे में इतना कोई जानकारी नहीं थी, ना मेरे पिता या माता ने उसके बारे में बताया। मेरी जो फैमिली थी वो साईं बाबा से जुड़ी हुई थी, यानी जो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर थे और ग्रेट ग्रैंडमदर, यानी माँ की तरफ के, तो वो साईं बाबा ऑफ शिरडी जो हैं उनके साथ रहा करते थे। वो साईं बाबा की पोथी हैं जिसको कहते हैं साई सच्चरित, उसमें हमारे फैमिली के बारे में
दो तीन चैप्टर्स है वहाँ पर लिखा गया है। तो मेरा संबंध सिर्फ गुरुओं से था, कभी कभार किसी गुरु को मिल लेते थे, लेकिन भगवान के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। लेकिन 2001 के बाद जो जानकारी मुझे मिली और जो मैं लोगों को बताते गया, अब मेरे सामने कोई भी किताब आए तो मैं उसके बारे में जो कुछ भी अंदरूनी बातें हैं जिसको हम लोग सत्संग में परिवर्तन कर सकते हैं, वो मैं बता सकता था। तो इसकी वजह से मैंने सबसे पहले इंग्लिश में करना शुरू कर दिया। सबसे पहला वीडियो मेरे ख्याल से मैंने 2007 में बनाया था। उसके बाद मैंने 2012 या 13 में ये चैनल शुरू किया और इस चैनल को फिर मैंने आगे लाया। लेकिन मैंने इतना समझाने की लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी है, इसीलिए मुझे जो आता था वो मैं करता गया। मैंने 2001 में जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त किया, सबसे पहला प्रश्न मेरा यही था कि मुझे ये ज्ञान आया कहाँ से, ये किताबें तो मैंने पहले ज़िंदगी में देखी भी नहीं, तो फिर ये ज्ञान आया कहाँ से। तो मैं इसकी वजह से एक स्पिरिचुअल जर्नी में चला गया, यानी जिसे आप कहते हैं कि इस चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैंने बहुत से जगह पे बहुत से गुरुओं से मैं मिला, लेकिन किसी ने भी मुझे जवाब नहीं दिया। लेकिन 2004 में एक अजीब किस्सा हुआ, जब मैंने कहा कि देखिए आज के दिन में अगर मुझे कोई बताए कि मैं ये सब जानता कैसे हूँ, तो उस समय मेरे गुरु ने मुझे दर्शन दिए और मेरे गुरु ने बताया कि मैंने तुमको सिखाया। उसके बाद मैंने उनसे दूसरा प्रश्न पूछा, वो भी एक बरस के बाद, यानी अभी मेरे लिए तो ये साफ था कि मैं समझ कैसे सकता था। तो मेरे गुरु का नाम है श्री दत्तात्रेय, दत्तात्रेय यानी जो तीन मुख वाले जो आप देखते हैं उनको, साई बाबा को भी दत्तात्रेय का स्वरूप कहते हैं, और श्रीपाद श्री वल्लभ हैं, और नरसिम्हा सरस्वती हैं, स्वामी समर्थ हैं अक्कलकोट के, इनको सभी को दत्तात्रेय के स्वरूप समझते हैं। तो दत्तात्रेय जी का दर्शन हुआ, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तुमको सिखाया। ये अजीब किस्सा था। तो दूसरा प्रश्न मेरे सामने एक बरस के बाद उठा कि मैं हूँ कौन, तो इस प्रश्न का जवाब मुझे चाहिए था। तो वापस मैंने वही प्रश्न उनसे किया, उस समय उन्होंने मुझे एक अजीब सा जवाब दिया। उस समय मेरे हाथ में एक किताब रहा करती थी, तो मैं पढ़ रहा था क्योंकि वो एक बहुत ही कठिन किताब है। तो उन्होंने कहा कि ये किताब जो तुम लेकर घूम रहे हो, ये जो ज्ञान है वो मैंने तुमको दिया है खास। अब इस चीज़ के बारे में जब मेरे साथ एक, यानी आप समझ लीजिए कि कोई अगर मुझे कहे कि ये किताब जो लेके जा रहे हो उसको मैंने तुमको सिखाया है, तो वो अजीब बात हो जाएगी। तो मैंने उसके ऊपर बहुत सारा सोचा और 2007 में मैंने डिसाइड किया कि भाई मुझे ये ज़िंदगी से कोई रुचि नहीं लगती, तो मैं सब छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाऊं। इसीलिए मैंने सन्यास लेने के लिए मैं चला गया हिमालय में। अब हरिद्वार में एक अजीब सा किस्सा हुआ कि हरिद्वार में मैं गंगा में पैर डूब के बैठा था, तब मेरे गुरुदेव मेरे पास में आए और हमारा 4.5 दिन यानी 4 दिन से ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट जिसे कहते हैं, वो मैंने उनके साथ की। वो कह रहे थे कि तुमको वापस जाना पड़ेगा और जो तुम्हें मैंने ज्ञान दिया है वो लोगों को दो। तो मैंने कहा मुझे देना नहीं है, क्योंकि मेरे पास उस चीज़ के लिए मतलब मुझे कोई ज़रूरी नहीं लगती। लेकिन 4.5 दिन के बाद उन्होंने जो कुछ भी कहा मैंने मान लिया और मैं वापस चला आया। यहाँ पर सभी को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मैं वापस कैसे आया, क्योंकि गया था तो सन्यासी बनने, लेकिन सन्यासी तो बना नहीं और वापस आया। और उसके बाद मैंने धीरे 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 करके एक एक स्टूडेंट को पर्सनली सिखाते गया। अभी मैंने कभी स्टूडेंट्स को जमा करना ये सोचा नहीं, मैंने ये सोचा कभी नहीं था कि ये ना मुझे डिसाइपल्स चाहिए, स्टूडेंट्स चाहिए, ये मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसीलिए मैंने अपने गुरुदेव से कहा कि देखिए जो मेरे पास आए मैं उनको सिखा दूंगा, और फिर मैं मेरी वीडियोस वैसे भी कर रहा हूँ तो वो मैं अपलोड करते रहूँगा।
और अगर वो वीडियो चले तो चले, नहीं चले तो नहीं चले, कोई आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो मैंने वो एक ज़िंदगी अपना ली जहाँ पर कोई भी चीज़ के बारे में मैं ज़्यादा सोचता नहीं था। और उसके बाद 2018 में, यानी पैंडेमिक के पहले, मेरे गुरुदेव ने कहा कि ये वीडियोस जो कर रहे हो उसे थोड़ा फैलाओ, तभी थोड़े बहुत और डिसाइपल्स आ गए। उसके बाद पेंडेमिक आ गया। पेंडेमिक के टाइम पे मैंने सभी सत्संग्स ऑनलाइन किए। वैसे मैं सभी सत्संग्स ऑनलाइन ही करता हूँ। आज मैंने भगवद गीता फॉर वेमेन शुरू किया है, वो भी ऑनलाइन ही है। और ये सभी फ्री है, इसमें कोई पैसे वैसे चार्ज नहीं होते। ये सभी मेरे वीडियोस आपको मिल जाएंगे हर चैनल के ऊपर, यानी जो कृष्णा नोस चैनल है उस पर। अभी ये कृष्णा नोस जब मैंने कहा तो इसके लिए, इसके पीछे भी एक कहानी है, वो मैं बताता हूँ। एक दिन किसी ने मुझे पूछा, तो तुम हो कौन? क्योंकि वो जानना ज़रूरी है कि तुम हो कौन। तो मैंने कहा कि भगवान जाने। भगवान जाने का मतलब है आई डोंट नो, ओनली गॉड नोज, समझे? तो वो गॉड नोज को मैंने कृष्णा नोज करके कर दिया। उस समय से मेरा नाम कृष्णा नोज, यानी जिसको हम पेन नेम या फिर जो कहते हैं ना कि तकिया कलाम या वट एवर, आई एम सॉरी, तो वो पेन नेम मेरा कृष्णा नोज हो गया। उसके बाद बहुत से लोग जब आने लग गए तो कहने लग गए कृष्णा गुरु जी, कृष्णा गुरु जी, ठीक है। तो अभी मैंने मेरा नाम शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, कृष्णा जी, तो उतना ही नाम है। तो मैं इससे ज़्यादा तो और नहीं बताऊंगा। आप मेरे वीडियोस देखिए, अगर वीडियोस में कोई आपको अच्छा लगे तो मुझे आप इस पर लिख के बताइए। और मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मेरे हिंदी में बहुत सारी गलतियाँ होंगी होंगी, तो आप मुझे बताइए कि इसमें मैंने कुछ गलत कहा होगा तो माफ़ कर दीजिएगा। और मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप मुझे थोड़ा बहुत कमेंट सेक्शन में लिखा लिखा दीजिएगा कि क्या एग्जैक्टली मुझे करना चाहिए। शायद मैं हिंदी में थोड़े बहुत सत्संग्स करूं, तो उसके बारे में भी आप लिखिए। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए या फिर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।